उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया के सानिध्य में उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिंधिया परिवार का भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा है। आज भी भारतीय रेलवे उनको याद करती है। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उन्हें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया।